हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डेली न्यूज़पेपर वोकैबुलरी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 17 सितंबर वोकैबुलरी। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स सी, फर्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्यूमेशियस। कॉन्ट्यूमेशियस, कॉन्ट्यूमेशियस, जिसका मीनिंग होता है अवज्ञाकारी, मतलब किसी की आज्ञा ना मानने वाला, या फिर किसी के वर्ड्स के या किसी के कहे के खिलाफ जाने वाला, या फिर इसको बिल्कुल नहीं मानने वाला, उसका मीन्स होता है कॉन्ट्यूमेसियस। ठीक है, इसके जो सिनोनिम है वो है कॉन्ट्रेरी, डिसअफेक्टेड, एस्ट्रेंज। और इसके जो एंटोनिम है वो है ओबीडियंट, मतलब मानने वाला या फिर आज्ञाकारी, फॉलोइंग या विलिंग। इसके एग्जाम्पल है हिज रिफ्यूजल टू मेक चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट वॉज कॉन्ट्यूमेसियस। ओके, नेक्स्ट प्लीज। रेपेटेंस, रेपेटेंस मीन्स होता है पछतावा। आपने कोई काम कर दिया, बाद में उसको लेके पछताना। मान लीजिए आप किसी एग्जाम में पढ़े नहीं और उसमें फेल हो गए, तो उसमें क्या होगा, आपको पछतावा होगा। अगर मैं पढ़ लेता तो इसमें पास हो जाता, तो वो रेपेटेंस है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम है जो रेग्रेट है, गिल्ट है, सोरो है। और इसके जो एंटोनिम है हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन की। अगर वही आप पेपर में क्लियर हो जाता, पास हो जाता, तो आपको उसमें खुशी होती या फिर आपको सेटिस्फेक्शन होता। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं ईच पर्सन हु टर्न्स टू गॉड इन जेन्युइन रेपेंटेंस एंड फेथ विल बी सेव्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड सरिलस। सरिलस, इसका जो मीनिंग है मिथ्या या अपमानजनक। सरिलस, इसका मीनिंग है मिथ्या या अपमानजनक। ठीक है, कि किसी चीज के लिए आपका अपमान होना या फिर कोई एक ऐसी मिथ्यात्मक चीज होना। तो इसके जो सिनोनिम है डिफेमेट्री, इंसल्टिंग, ऑब्सीन। और इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है क्लीन, डिसेंट और पोलाइट। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें अगर, तो एग्जाम्पल क्या है, अ सरिलस अटैक ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ ए बिजनेसमैन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है जो मैग्नेनिमिटी। मैग्नेनिमिटी, इसका मीन्स होता है उदारता या फिर दरिया दिली, कि किसी का बहुत ही ज्यादा दरिया दिल का होना या फिर उदार होना। ठीक है, इसके जो सिनोनिम्स है वो शिवेलरी, फिलेंथ्रोपी, जेनरोसिटी। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है मीननेस, सेल्फिशनेस। ओके, या फिर सेल्फिश होना, कि अपने बारे में ही सोचना। मैग्नेमिटी का मतलब होता है दूसरों के बारे में सोचना। इसके एग्जाम्पल्स हैं जो बोथ साइड्स विल हैव टू शो मैग्नेनिमिटी। नेक्स्ट वर्ड है जो पेसिमिज्म। पेसिमिज्म मतलब होता है निराशावादी, कि किसी में नेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, कोई निराश रहता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पेसिमिज्म। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है डिसपेयर, सिनिसिज्म, होपलेसनेस, कि जिसमें कुछ भी होप या आशा नहीं बची। फिर इसके एंटोनिम है जो वो चीयर, कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म। ओके, अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है इकोनॉमिक हिस्टोरियन रॉबर्ट गॉर्डन कॉल्स हिमसेल्फ द प्रॉफेट ऑफ पेसिमिज्म, कि वो निराशावादियों का भगवान है। नेक्स्ट वर्ड है जो अब्रेस्ट। अब्रेस्ट का मतलब होता है बराबर में या फिर पास पास में, दो लोगों का बराबर में खड़े होना या फिर पास पास में खड़े होना, तो हम लोग कहते हैं अब्रेस्ट का यूज करते हैं। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है बिसाइड्स, इक्वल, इन अलाइनमेंट। इक्वल मतलब बराबर, इन अलाइनमेंट मतलब एक ही लाइन में। एंटोनिम है जो इसके वो है लॉस्ट, अनअवेयर, आउट ऑफ टच। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो शी शोड द चिल्ड्रन हाउ टू गेट ए फेयर स्टार्ट बाय स्टैंडिंग अब्रेस्ट एंड होल्डिंग ए स्टिक, कि वो बच्चों के पास खड़ी होगी, उनके सामने खड़ी होगी और उनको बताया कि फेयर गेम कैसे होता है। नेक्स्ट वर्ड है इरुडिशन। इरुडिशन, इसका मतलब होता है विद्वान होना या फिर पांडित्य होना, कि उसको बहुत ज्यादा ज्ञान होना। ठीक है, इसके जो सिनोनिम है वो है रिफाइनमेंट, नॉलेज, एनलाइटनमेंट। और इसके जो एंटोनिम है वो है इग्नोरेंस। इसका जो हम लोग एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यह है चाणक्य वॉज नॉन फॉर हिज विट, एरुडिशन एंड टीचिंग स्किल। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है इवोकेशन। इवोकेशन मतलब याद दिलवाने वाला।
आपको कोई चीज, आप कोई बंदा आता है आपके पास और आपको कोई आपकी पास्ट की चीज याद दिलवाता है। मान लीजिए आपके 5th क्लास का आपको आपके कोई फ्रेंड मिल रहा है आपको, तो वो आपको आपको 5th क्लास की कोई चीज याद दिलवाए कि हमने ये किया था, वो इवोकेशन हो जाता है। तो इसके जो सिनोनिम है वो है समन, कॉन्जुकेशन, इनवोकेशन, और इसके जो एंटोनिम है वो रिवोकेशन। इसका जो एग्जाम्पल होगा, फॉर सच इंटेंसिटी ऑफ इवोकेशन इज एज कॉन्टेजियस एज एन इंथुसियाज्म और ए पैनिक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एल्यूड। एल्यूड मतलब होता है कि किसी चीज से बचना या टलना, कि हम इससे बच के निकल जाए। मान लीजिए आप कोई गलती कर रहे हो या फिर कुछ शरारत कर रहे हो, सामने से आपके पापा आ जाए, टीचर आ जाए, तो आप क्या करोगे, उनसे बच के निकलने की कोशिश करेंगे कि करोगे कहीं वो आपको देखना नहीं। तो इसके जो सिनोनिम है वो इवेड, बैफर, कन्फाउंड, फ्ली, और जो इसका एंटोनिम है वो अपेट, एड, एनकरेज, असिस्ट। और इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे, ही मैनेज टू एल्यूड हिज फ्रेंड बाई स्केपिंग इन। सो नेक्स्ट वर्ड इज फीवर। फीवर मीन्स कमजोर या शक्ति नहीं होना। लाइक आपको फीवर या टाइफाइड हो गया तो आपको क्या लगता है, कमजोरी लगती है, तो वो फीबल हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप अभी गिरोगे। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम है वो है एलिंग, फ्रेजाइल, इनएफिशिएंट। और इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है एबल, एफिशिएंट, कॉम्पिटेंट, हेल्दी। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल्स है, माई लेग्स आर वेरी फीबल आफ्टर द कोविड, कि कोविड के बाद से मेरी लेग्स हैं जो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। So, we will see you tomorrow.